सी एंट्री जो होगी, मतलब आपको देखने को मिलेगा एक मिडिल क्लास घर जो है देश में, लखनऊ के शहर में, कैसे एक क्रिकेटर, ये जो क्रिकेटिंग कोच है, एक स्ट्रगल चल रही है उसकी लाइफ में इवन एंड्स मीट करने के लिए, मतलब उनके महीने के खर्चे कैसे कहाँ से आते हैं। तो किसी तरह से शैली जो उसकी पत्नी है वो सब कुछ मैनेज कर रही हैं, कभी ज्वेलरी बेच रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, लेकिन घर को चला कर रख रही हैं। बट ऑब्वियसली ये क्रिकेटर नहीं बन पाया, तो इसके अंदर एक शुरू से वो रहा है मन के अंदर, प्लस साथ में शैली के ताने जो हैं वो इसको रोज़ मिलते रहते हैं कि कुछ बनो, कुछ करो, कुछ आगे बढ़ो। तो वो सब चलते चलते इनकी कुछ ऐसी चीज़ें शुरू होती हैं, ये एंट्री है। और इसके बाद जो बीच में कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं, कुछ ऐसे पैसे होते हैं जो इसने मार्केट के देने होते हैं, उस रीजन से इसको एग्ज़िट की तरफ एक स्टेप लेना पड़ता है, एक ऐसा कदम जहाँ पे शैली, मैं और पिंटू हम तीनों मिलके कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स करते हैं जहाँ पे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर पाए और आगे बढ़ पाए। तो देखिए, मैं बहुत मैं ये कह सकती हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट लेयर्ड रोल। एक एक्टर के लिए ऐसा रोल मिलना बहुत मुश्किल होता है, ख़ासतौर से शैली का जो रोल है वो ऐसा ही है। एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि एक्चुअली शैली इनकी बहुत केयर करती हैं और बहुत प्यार करती हैं और चाहती हैं कि बहुत बड़े स्टार बन जाएँ, बट एट द सेम टाइम उनके अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि आप बोलेंगे कि क्यों, मतलब शैली ऐसा क्यों कर रही है और शैली वैसा क्यों कर रही है। तो मोटिव उसका बस इतना रहता है कि किसी तरीके से पैसे आ पाएँ, क्योंकि जैसा इन्होंने बोला कि मिडिल क्लास फैमिली है, बहुत मुश्किल से ज़रूरतें पूरी हो रही हैं हमारी फैमिली में, हमारा एक क्यूट सा छोटा सा बेबी भी है और बच्चा भी है। तो हमें ये लगता है कि यार कुछ पैसे कमा लें, हम भी कुछ कर लें, क्योंकि जब आप सीरीज़ देखेंगे तो देखेंगे बहुत ही छोटा सा क्वार्टर है, बहुत ही छोटा सा, उस क्वार्टर को क्या बोलते हैं, PAC पुलिस क्वार्टर्स, छोटे क्वार्टर्स में हम शूट कर रहे थे, मतलब इतना छोटा था कि हम अपनी कैमरा प्लेसमेंट भी जल्द ठीक से नहीं हो पा रही थी, इतना छोटा। तो अपनी ज़रूरतों को मीट कर पाएँ और एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ, क्योंकि शैली जो है वो आज के ज़माने की लड़की है, तो उसे भी चाहिए कि यू नो महंगी TV आए, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी आए। तो शैली के सपने अपने ऐसे थे कि शी वॉन्ट्स कि रवि को किसी तरह पुश करूँ और किसी तरह से ऐसे पैसे कमाए जाएँ, और मतलब ताकि हम भी सी, ये सिर्फ ये नहीं चाहती थी कि इसका अच्छा हो, मतलब ये तो बन जाए क्रिकेटर, लेकिन उसके साथ में जैसे क्रिकेटर की बीवी घूमने जाएगी, यू नो वो भी बैठेगी आराम से, मतलब वो भी अपनी ड्रिंक पिएगी। मैंने ना इससे शादी, शौक वो है, मैंने इससे शादी सिर्फ इसलिए की थी कि मुझे लगा था कि यार ये क्रिकेटर बन जाएगा बहुत बड़ा, और जैसे हर क्रिकेटर की बीवी जाती है, बैठती है आराम से, घूम पूरी दुनिया घूमती है चश्मा वश्मा लगा के। तो इनको ये था कि लॉर्ड्स में बैठ के लस्सी पिएंगी, मतलब आराम से, मैं भी बैठूंगी एक दिन, पर ऐसा कुछ जो कभी हुआ नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आप बताइए, जिसके सपने टूटेंगे वो तो बोलेगी ना अपने पति को, मैंने इसीलिए शादी की। और वो कंटेंट और कंटेंट आपने बहुत अच्छी बात कही लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग अभी 2021 में भी हमने कुछ कंटेंट्स हम ला रहे हैं, लाए थे हमने, और 2022 में हमारे और बहुत बेहतरीन शोज़ आ रहे हैं जो हमने 2021 में लाइनअप किए थे, और 2022 में भी हम शूट कर रहे हैं। तो इसमें कई अच्छे स्टोरीज़ पर और डिफरेंट स्टोरीज़ पर हम ला रहे हैं जो रियल बेस्ड स्टोरीज़ हैं, कुछ हम लोग स्टोरीज़ ऐसी हम लोग ला रहे हैं जो थ्रिलर सस्पेंस हॉरर पे हैं, जो लोगों के एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी कुछ जुड़ी हुई हैं। तो इस तरीके का कंटेंट हम लोगों ने लाने का प्लान किया है जिससे लोगों को वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इसमें देखने को मिले। जो पहले एक परसेप्शन बन चुका था से 2 साल पहले उल्लू का कि केवल एक सिंगल वन हैंड हम लोग एक बोल्ड कंटेंट है, वो ना दिखा करके हम लोगों ने कई अलग अलग जॉनर की चीज़ें पकड़ी हैं और एक सीरीज़ लेवल पर हम लोग इसको कर रहे हैं। नॉट ओनली दिस, हम अभी एक फिल्म भी हम ला रहे हैं, क्योंकि सीरीज़ में क्या होता है कि सीरीज़ ब्रेक होती हैं तो कुछ लोग उससे बाहर हट जाते हैं। तो हमने 1.5 घंटे की 2 घंटे की 1.25 घंटे की हमने एक लॉन्ग शॉर्ट फिल्म भी कह सकते हैं, या एक 1.5 घंटे का 1.75 घंटे का एक पैकेज के रूप में भी हम ला रहे हैं, जो अलग अलग जॉनर्स में भी है।
एक्चुअली मेरा कैरेक्टर इतना खास नहीं है, स्टोरी बहुत अच्छी है. स्टोरी अगर आप पूरी स्टोरी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है देखकर. बाकी मेरा कैरेक्टर है इंटरेस्टिंग है, दोस्त है बेसिकली. एक रवि और पिंटू दो दोस्त हैं बचपन के, जो क्रिकेटर बनना चाहते थे, बाहर जाना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे, बहुत वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे, बट उनके सपने पूरे नहीं हो पाए और वो लोग एक हताश मिडिल मैन की ज़िंदगी जी रहे थे. मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और वो एक कोच बन गया है. तो कैसे इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, जबकि इसकी वाइफ जो है विंध्या, जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं शैली, वो उसकी होप्स कितनी ज़्यादा हैं एक क्रिकेटर हस्बैंड से, और कैसे वो रवि उसकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरे करने के लिए क्या क्या करता है, कितनी बैटिंग्स लगाता है, कितने पैसे कमाने के लिए कितने जरिए ढूंढता है. तो हाँ, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आपको देख के. तो मेरा नाम है जेनी. नाम ही इतना स्टाइलिश था जब ही मुझे ये स्टोरी नरेशन मिला था, और उसके बाद जब मैंने उसका और बाकी सब पूरी कहानी सुनी, सो आई वाज लाइक, एक वो डिसीजन मेकिंग पॉइंट होता है येस या नो, जब भी आप सोच रहे हो तो क्या मैं कर पाऊँगी. और क्योंकि सिगरेट उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, और मैंने लाइफ में कभी स्मोकिंग नहीं की, तो आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग, बट मे बी उस टाइम पे देर वॉज समथिंग दैट वॉज जस्ट टेलिंग मी टू डू इट. एंड टुडे आई एम सो ग्लैड कि मैंने वो अपने दिल की बात सुनी. और बहुत ही इंटेलिजेंट स्मार्ट कैरेक्टर्स हैं, मुझे हमेशा से टच वुड बहुत अच्छे इंटेलिजेंट स्ट्रॉन्ग वुमेन के कैरेक्टर्स मिले हैं, और मुझे वैसा ही प्ले करना पसंद है. तो ये भी एक ऐसा किरदार है जो सब लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, और मैं उन सब लोगों को वो लूप होल ढूंढ के निकालना और यू नो उन तक पहुंचना. सो या आई रियली एंजॉय डूइंग इट.